नाटक धरती गहन इस नाटक के सभी पात्र काल्पनिक नहीं है। इस नाटक का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति के साथ संबंध है। तो पेश करते हैं नाटक धरती की कहानी हमारी जुबानी। हम सब देखते हैं, हम सब सुनते हैं, फिर भूल जाते हैं। हम सब कुछ जानते हुए समझते हुए इस विषय पर बात नहीं करते। आखिर ऐसा क्यों? हाँ हाँ आखिर ऐसा क्यों? तू देख दीवाने आए हैं, तू देख दीवाने आए हैं, इस रंगमंच के खेल खेल में सच को बताने आए। तू देख, तू देख, तू देख दीवाने आए हैं, तू देख दीवाने आए हैं, इस रंगमंच के खेल खेल में सच को बताने आए। तू सोच, तू सोच, तू सोच बदल देगा अपनी ये बात बताने आए। तू देख दीवाने आए, तू देख दीवाने आए। क्या हमने कभी सोचा है कि मौसम बदल रहा है, जंगल जल रहे हैं, ना जाने कितने पशु पक्षियों की प्रजातियां खोती जा रही हैं। क्या ये पर्यावरण, ये प्रकृति, ये सब हमारा नहीं है? क्या हम इस प्रकृति के पात्र नहीं हैं? पेड़ों को लगाना है, पर्यावरण बचाना है। पेड़ों को लगाना है, पर्यावरण बचाना है। पेड़ों को लगाओ, अपनी धरती को बचाओ। पेड़ों को लगाओ, अपनी धरती को बचाओ। पेड़ों का ना अपमान करो। कहने को तो सिर्फ दो ही अक्षरों का शब्द है, पर ये इन दो अक्षरों से कहीं बढ़कर है। पेड़ हमें सिर्फ फल, सब्जी और वायु ही नहीं देते, बल्कि यह छोटे छोटे पशु पक्षियों का आशियाना भी है। चलो चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। छुपन छुपाई खेलते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई छुपने की जगह ही नहीं है। वो सामने पेड़ है ना, उसी के पीछे छिप जाएंगे। अरे भैया भैया क्या कर रहे हो? चुप कर, मुझे डिस्टर्ब मत कर। अरे बता तो दो, कर क्या रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं निशाना लगा रहा हूँ। अच्छा, अगर आप मेरी इतनी मदद है तो वो वाला आम तोड़ कर दिखाओ। अच्छा, ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। अरे वाह, इतने सारे पेड़, इन सबको काट कर मैं खूब धन कमाऊंगा। अरे वाह, इतने सारे पेड़, इनसे कागज बनाकर मैं खूब धन कमाऊंगा। असिस्टेंट। यस सर। मैं सारे पेड़ों को काटकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाऊंगा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? याद आए वो बचपन के दिन जब जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे, पेड़ों पर पत्थर से विकेट बना दिया करते थे। याद आए वो सावन के दिन जब पेड़ों पर झूले झूला करते थे, पर अब ना तो पेड़ बचे हैं जिन पे झूला झूला जा सकता है, और ना ही उनपे विकेट बनाई जा सकती है, और ना ही उनसे आम तोड़े जा सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि पेड़ तो बचे ही नहीं। किसने किया ये नुकसान? कौन है इस नुकसान का जिम्मेदार? देख ले इंसान, ये तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या कर दिया? अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरी करने के लिए तूने पेड़ों को तबाह कर दिया। बन गए तेरे महल मकान और बड़े बड़े कारखाने, इनको बनाने के लिए तूने पूरी धरती का सर्वनाश कर दिया। सर्वनाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया। सीता तुम कहाँ जा रही हो? मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। मुझे भी ले चलो। नहीं, मुझे अकेले जाना पसंद है। पर हम दोनों एक ही जगह तो जा रहे हैं। नहीं, मुझे अकेले जाना भी कंफर्टेबल फील होता है। तुम दूसरी गाड़ी ले जाओ। ड्राइवर जाओ गाड़ी निकालो, ड्राइवर जाओ गाड़ी निकालो। आंखें तो उठा नजरे तो मिला, आंखें तो उठा नजरे तो मिला। तू देख रही
है मनोरंजन। अरे अब तो संभल जाओ, इतने नुकसान होने के बाद भी अगर हमें समझ नहीं आ रहा तो कब समझेंगे, कब हम सबको समझ आएगी। अरे मानव इतना मतलबी है कि वह अपने मतलब के लिए वनों को मिटा रहा है। अगर पेड़ ना होंगे, पहाड़ ना होंगे तो सांस लेने के लिए शुद्ध हवा भी ना होगी। इतना सुंदर रूप था तुलसी का, लहराता हुआ और हरा, पर मानव ने पेड़ों को काट डाला, उजाड़ कर इस धरती का आंचल कंक्रीट का जंगल को सड़ा डाला। पर फिर भी मानव को चैन ना आया तो धरती की सांसों में जहर पड़ा। रेल चलाई, हवाई जहाज चलाए, एटम बम के धुएं उड़ाए। वाह मानव, अपनी मौत से जान तो कितना अंतरा है। मानव अगर ऐसा ही करता रहा तो एक दिन काल भी हम पर हंसेगा, काले धुएं का जहरीला सांप हमारी सांसों को डसेगा। दोस्तों ये सिर्फ नाटक नहीं किया है हमने, ये सच्चाई है, ये कहानी है मेरी, आपकी और हम सबकी। आज इस नाटक को देखने के बाद सोचिएगा जरूर कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसके बारे में अपने आसपास बात जरूर करना, अपने घर पर बात जरूर करना, क्योंकि हो सकता है कि आपकी बातचीत से बदलाव आए। आज यहाँ इस नाटक का अंत होने जा रहा है, या फिर इस नाटक का अंत नहीं है, इस नाटक की शुरुआत है, और इस नाटक का अंत हम सब मिलकर करेंगे। हम इतना तो कर ही सकते हैं कि संसाधनों की जितनी आवश्यकता है उतना ही प्रयोग करें, एक एक पौधा तो लगा ही सकते हैं। याद रखिए, आपके छोटे छोटे कदम ही रखेंगे बड़े बदलाव की नींव। तो ये आप लोग डिसाइड कीजिए कि इस नाटक की हैप्पी एंडिंग होगी या फिर धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और सार्थक प्रस्तुति विभिन्न स्कूल की ओर से, और विभिन्न स्कूल के इन छात्र छात्राओं को उनकी फैकल्टी के साथ यहाँ पर हम ऑनर कर रहे हैं। विशाल लेहर जी और अभिषेक वेलफेयर सोसाइटी की पूरी टीम विभिन्न स्कूल को यहाँ पर ऑनर आप कर रहे हैं। पर भरत जी और आपकी अगर और भी फैकल्टी को बुला दी, प्रियंका मैम, नंदी मैम और राजकुमार सर उसी ऊपर आ गए। विभिन्न स्कूल की दोनों परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, और मेरा साथी सुखदेव जो किताब आज रिलीज हुई है वो भी बच्चों को मिल जा रही है। और विभिन्न स्कूल को हम साधुवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ऑपरेशन की और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर लेकर आई है। आइए मैं अनुरोध करना चाहूँगी श्री अशोक मेहता जी से कि इस ऑनरिंग सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए साथ मंच पर आ जाए।
जोरदार तालियां स्कूल के फैकल्टी के लिए और बच्चों के लिए। बाकी जितने बच्चे हैं वो प्लीज आके आके बैठेंगे। टीना जी आप आ जाए, हमारी महिला बैंक की प्रेसिडेंट हैं टीना ने, और हम अपने लिए इतनाना जानते हैं, हम इधर आ जाते हैं। बहुत अच्छा उधम सिंह नगर थे ये बच्चे जिन्होंने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर दी और अपनी पूरी सपोर्ट के साथ।